यहां पर प्रदीप सिंह, क्या 400 पार की जो ये ताल ठोकी, ये उल्टी पड़ती भी दिख रही है बीजेपी के लिए कि भाई अरे ये संविधान बदल देंगे, कुछ ऐसा अंडरकरंट जो चला, क्या उसकी अब धमक भी या गूंज भी सुनाई देने लगी है और इसीलिए थोड़ा उत्साहित दिख रहा है विपक्ष? संदीप जी, दो तीन बात। एक तो अपोजिशन, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी जो है, मेरा मानना है 2019 में ज्यादा मजबूत। केवल चार राज्यों की बात, उत्तर प्रदेश सपा बसपा आरएलडी का अलायंस, बिहार में जो है कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस, कर्नाटक में आपको पता ही है जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस था, और महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का। 196 सीटें हो, बाकी राज्यों को छोड़ दे, केवल इन चार राज्यों से 196 सीटों पर 1-to-1 कंटेस्ट था, सीधा सीधा। 2019 से 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिन्होंने 2019 में उनको वोट दिया था, 2024 में ये सोचे कि अब इनको वोट नहीं देना। 2019 से 2024 के बीच में उन्होंने अपने जो कोर एजेंडा है उसके बहुत से मुद्दों को जो है वो जमीन पर उतारा है। तो इसलिए 2014 और 2019 में उनकी परफॉर्मेंस देखें और 2019 से 2024 के बीच में देखें तो ये तो दोनों में बहुत संविधान बड़ा बदल अंतर। देंगे और एक असहजता, एक डर का माहौल जी दलितों में हो गया है, अल्पसंख्यकों में हो गया है, ये कोरी कल्पना है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोरी कल्पना है। सवाल ये है कि कितना नीचे तक पहुंचा है, ये कितना नीचे तक पहुंचेगा किसी भी पार्टी का मुद्दा, इस पर निर्भर करता है कि उसका संगठन कितना प्रभावी है, उसके नेता की कितनी क्रेडिबिलिटी है, उसकी नेता की बात पर कितना लोग भरोसा करते हैं। ये फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी मुद्दे को किसी भी पार्टी के नीचे तक ले जाते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है? मैं आज ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ। ऐसा संभव है हुआ हो, ऐसा संभव नहीं हुआ, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मामलों में, कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो ज्यादातर मामलों में प्रो नहीं, ये इनकम्बेंसी का संविधान मुद्दा के बहुत नैरेटिव की शार्प होता काट है। में ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी काफी उछला, भाई सोना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, सारा आरक्षण दे देंगे मुसलमानों को। आज प्रधानमंत्री को ये कहना भी पड़ा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। तो मुझे याद है एक दिन आप कार्यक्रम में थे जब राहुल गांधी रायबरेली से अपना नामांकन भर रहे थे, आपने बॉडी लैंग्वेज पर कमेंट किया था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में उत्साह नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री की मौजूदा बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है प्रदीप जी? मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जितने इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं इस बीच में, 2-3 दिन के बीच में, उसमें हर इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और पार्टी और संगठन जिस तरह से काम कर रहा है उसके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी नहीं आई। जमीन पर कुछ परिवर्तन बड़ा हो रहा हो जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है 2019 में जिन्होंने वोट दिया वो 24 में क्यों नहीं देंगे। एक बात। दूसरा जो है, मैं कह रहा हूं प्रो इनकम्बेंसी का वोटर जो है वो हमेशा साइलेंट होता है, वो पहले से तय करके बैठा होता है किसको वोट देना है, मतदान की तारीख का इंतजार करता है, घर से निकलता है, वोट देकर चला आता है। ये परिवर्तन आपको इसमें दिखाई देता है तभी जब कोई इमोशनल इशू हो, तब उस तरह की ऊर्जा दिखाई देती है जो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद दिखाई दी। तो विपक्ष कोई एक नैरेटिव मोदी के खिलाफ कि इसलिए मोदी को हटा देना चाहिए, ये बना नहीं पाया है। मोदी ये के बना नहीं 400 पार पाया के है, मतलब नारे कोई के आधार करंट पर नहीं दिख रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।